दोस्तों आप तमाम लोग जानते हैं कि देश भर में लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। पहले चरण में वोटिंग भी हो गई है, दूसरे चरण को लेकर के भी तमाम दल जो है अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। ऐसे में अगर बात करें हैदराबाद सीट की, जहां से असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद सांसद हैं, वहां से ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो है सीधा टक्कर जो है वो किससे होने वाला है, तो वो है माधवी लता। माधवी लता भारतीय जनता पार्टी से पूर्व में वो जो हैं कलाकार रही हैं, और ऐसे में माधवी लता जो है वो असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मैदान में उतरी थी। उसके बाद ये बातें सामने आने लगी कि कांग्रेस ने असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा। इसको लेकर के सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी बातें भी होने लगी कि ओवैसी के खिलाफ कांग्रेस ने आखिरकार क्यों कैंडिडेट नहीं उतारा, क्या कांग्रेस ओवैसी के साथ मिल गई है, और तरह तरह की बातें सामने आने लगी। लेकिन आज ये खबर सामने आई है कि कांग्रेस ने असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ एक कैंडिडेट को उतारा है जिनका नाम वलीउल्लाह समीर है। और आपको बता दें कि एक मुस्लिम कैंडिडेट को कांग्रेस ने हैदराबाद सीट से चुनाव लड़ने की जो है वो चुनाव लड़ने के लिए ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों एक इंटरव्यू जो है रेवंत रेड्डी का काफ़ी वायरल हो रहा था, जो वहाँ से आज मौजूदा मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना से, उन्होंने ये बात कही थी। एक सवाल उनसे पूछा गया था कि क्या कांग्रेस वहाँ से कैंडिडेट नहीं उतारेगी, उस पर उन्होंने कहा था ऐसी बात नहीं है, अभी नामांकन करने की तिथि बची हुई है, और ऐसे में ये बात कह देना कि वहाँ नामांकन नहीं किया जाएगा या कोई जो है कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं होगा, ये जल्दबाजी है और ऐसी बात नहीं सोचनी चाहिए। फिर बात आई कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को हराने के लिए बीजेपी ने एक नेता को खड़ा किया है, तब उन्होंने ये बात कही थी कि आखिर क्या वजह है कि जब जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जिस सीट से चुनाव लड़ते हैं वहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य सीट है, तो फिर एक नॉन मुस्लिम को वहाँ से टिकट भारतीय जनता पार्टी ने क्यों दिया, वहाँ पर एक मुस्लिम कैंडिडेट को चुनाव क्यों नहीं लड़ाया ताकि असदुद्दीन ओवैसी से उनका फाइट हो सके। यानी कि रेवंत रेड्डी ये कहना चाह रहे थे कि बीजेपी से उनका शायद कोई कनेक्शन है, इस तरह की बातें कहने की कोशिश वो कर रहे थे। अब कांग्रेस ने एक मुस्लिम कैंडिडेट को वहां पर चुनाव के लिए उतार दिया है। आपको बता दें कि पूर्व में ये चर्चाएं थी कि शायद वहां से सानिया मिर्जा, जो कि टेनिस प्लेयर है, आप तमाम लोग जानते हैं उन्हें, काफ़ी चर्चित रही हैं, हाल ही में उनका तलाक हुआ है शोएब मलिक से, उनके बारे में भी चर्चाएँ थी कि वो हैदराबाद सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार हो सकती है। और भी उनके अलावा कई सारे नाम थे, लेकिन उन नामों पर विराम लगा और ये बात सामने आ गई है कि अब दूसरा कैंडिडेट कौन होगा। तो ये वो जनाब है जो असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ने वाले हैं। अब सवाल ये उठता है कि एक तरफ माधवी लता पर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है, वो माधवी लता जो है अभी पिछले दिनों उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें देखा गया कि वो रामनवमी के वक्त में एक तीर चला रही थी, तीर चलाते हुए, यानी कि उनके हाथों में तीर नहीं था, सिंबॉलिकली वो तीर चला रही थी, हाथों से चलाने की दिखाने की कोशिश कर रही थी, और इशारा उनका गालिबन मस्जिद की तरफ था, और इस वजह से काफ़ी विवाद भी बढ़ गया। अब एक नया चेहरा सामने आया है, वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस पूरे मामले में क्या कुछ खबर सामने आ रही है हम आपको सीधे सीधे बता दें। लोकसभा चुनाव 2024 को मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने हैदराबाद लोकसभा सीट से अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने मोहम्मद वलीउल्लाह समीर को हैदराबाद सीट से उम्मीदवार बनाया है। वहीं बात करें इस सीट पर समीर की सीधी लड़ाई ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह सकते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो कि मौजूदा सांसद हैं, उनसे होने वाली है। सियासत डेली की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र से अगर बात करें तो कांग्रेस उम्मीदवार समीर वलीउल्लाह ने मंगलवार को 23 अप्रैल को हैदराबाद जिला कलेक्ट्रेट में जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर के पास अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। उनके साथ पूर्व मंत्री और राज्य सरकार के सलाहकार MD अली शब्बीर, ओबैदुल्ला कोटवाल और अन्य लोग भी थे। समीर वलीउल्लाह वर्तमान में कांग्रेस की हैदराबाद जिला समिति के अध्यक्ष के रूप में भी कार्यरत हैं, तो ये कहा सकता है कि कांग्रेस के पुराने चेहरा में से एक चेहरा हैं। वहीं बात करें समीर वलीउल्लाह के नाम से पहले खबर थी कि सुप्रीम कोर्ट की वकील शहनाज तबस्सुम को कांग्रेस जो है वो ओवैसी के खिलाफ मैदान में उतार सकता है। किसे? शहनाज तबस्सुम को। उसके अलावा अगर बात की जाए तो एक खबर ऐसी भी थी, लेकिन इनके नाम पर जो है वो कहा सकता है कांग्रेस में वरिष्ठ जो नेता थे वो खुश नहीं थे, वरिष्ठ मुस्लिम नेता, क्योंकि उनका कहना था कि ये जो है वो बाहरी नेता है। वहीं हो सकता है कि इस वजह से उसके नाम पर कांग्रेस ने मुहर नहीं लगाई। इसके अलावा हैदराबाद सीट के लिए अगर बात करें तो टेनिस स्टार सानिया मिर्जा का नाम भी चर्चा में था, हालांकि उनके नाम को भी खारिज कर दिया गया है। तो ये पूरा का पूरा मामला है, पूरी की पूरी खबर है। अब देखना यह है कि क्या इस पूरे मामले पर, ये रिपोर्ट जो है आप देख सकते हैं, हिंदुस्तान ने इस पूरे मामले को लेकर के एक रिपोर्ट लिखा है, और ये पूरा का पूरा मामला है। इस पूरे प्रकरण में आपको क्या लगता है कि क्या समीर साहब जो हैं वो असदुद्दीन ओवैसी को किसी तरह का टक्कर दे पाएंगे, या फिर जमानत जब्त हो जाएगी किनकी? समीर साहब की? क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब को नुकसान होने वाला है? क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब चुनाव हार सकते हैं? आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।